नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आपका स्पीच हमने सुना और पहली बार ऐसा लगा कि आपको साइंस और स्कॉलर्स की कदर होने लग रही है। परंतु जैसे ही आपकी पकड़ साइंस पे मजबूत होने लगी, वैसे ही रियलिटी पे आपकी पकड़ छूटने लगी। आपके स्पीच में आपने कहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए घर में रहना चाहिए। सही कहा, यही एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, साइंस कह रही है कि जितना हम सोशल डिस्टेंसिंग करें और जितना ही घर में रहें, उतना ही इस महामारी को कंट्रोल में लाया जा सकता है। ये सही है, ये साइंटिफिकली साउंड है, पर ये रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ये घर नहीं है रहने के लिए। आपके दोस्तों ने आपको नहीं बताया कि कितने सारे भारतीय लोगों के घर उजड़ चुके हैं बैंक स्कैम्स और रियल एस्टेट स्कैम्स के द्वारा? तो ये जो सारे लोग हैं जो रस्ते पर आ चुके हैं, वो अपने घर में कैसे रहेंगे अगर उनको घर ही नहीं मिला? दूसरी बात आपने कही करोना, कोई रोड पे ना निकले। सही बात है, अगेन साइंटिफिकली साउंड है, पर हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जो दिन ब दिन डेली बाहर निकल के अपना पोषण ढूंढते हैं, अपना खाना ढूंढते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको रोज दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। तो अब वो लोग रोड पे कैसे ना निकले? अब आप कहेंगे कि मैं सिर्फ कटाक्ष कर रही हूं। नहीं, मैं कटाक्ष के साथ साथ आपको सल्यूशन भी दूंगी। मैं अपना सवाल उठाने का अधिकार भी अपना रही हूं और जवाब देने का कर्तव्य भी निभा रही हूं। भारत में 12,76,000 मकान खाली पड़े हैं, तो आप ये मकान इन सारे बेघर लोगों को दे दीजिए ताकि वो घर में रह सके। दूसरा सल्यूशन है करोना के लिए। अगर आप अपने इन्फ्लुएंसर्स से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपनी स्टार पावर को इस्तेमाल करके, अपनी आर्टिस्टिक अबिलिटीज को इस्तेमाल करके घर घर में आपकी व्यवस्थाओं को समझाए, किस तरीके से पानी आएगा, किस तरीके से खाना आएगा, किस तरीके से दवाइयाँ आने वाली हैं, अगर ये सारी चीज़ें सबको समझ में आती है तो उनको आश्वासन मिलेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा करोना करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे कटाक्ष और मेरे सल्यूशंस पे आपका ध्यान लाए। भारत की आज्ञाकारी नागरिक पद्मश्री, जय हिंद।